2 ଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି 24 ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରବନ ଏରିଆର ହିଙ୍ଗଲଗଞ୍ଜଠାରେ ପିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ଭାସମାନ ବର୍ଡର ପୋଷ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାହ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଶାହଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ। 2 ଦିନିଆ ବେଙ୍ଗଲ ଗସ୍ତରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଶାହା ସାମିଲ ହେବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଭାସମାନ ବର୍ଡର ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇପାରିବ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अभेद बनाना, इसको कोई भेद न पाए ऐसी बनाना। आपका परिश्रम, त्याग, बलिदान, शौर्य ये सब तो है ही, मगर उसको आधुनिक तकनीक के साथ लैस करना पड़ेगा। दुनिया भर में जो आधुनिक से आधुनिक तकनीक हमारे पास उपलब्ध है बॉर्डर गार्डिंग के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, उससे हमारी बीएसएफ को उपलब्ध कराना। इसी के तहत आज सतलुज, कावेरी और नर्मदा ये 3 फ्लोटिंग बीओपी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पूरा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित है। और मैं गर्व के साथ जहां जहां देश में जाता हूं वहां कहता हूं कि देश के गृहमंत्री के नाते मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि बीएसएफ का मेरा जवान बॉर्डर पर खड़ा हुआ 24 घंटे। मित्रों, आप सभी अभिनंदन के भी अधिकारी हैं और देश की जनता के ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों को। मित्रों, जब भी मैं बीएसएफ या तो किसी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की कार्यक्रम में जाता हूं और जवानों को मिलता हूं तो हमेशा के लिए एक नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस दिल्ली जाता हूं, क्योंकि आप लोगों का जज्बा जो कठिन से कठिन परिस्थिति में, चाहे राजस्थान और कच्छ का रेगिस्तान हो, कच्छ की क्रीक हो, या आज मैंने देखा सुंदरवन जहां 3 नदियों का डेल्टा एरिया है, वहां मगरमच्छों के बीच घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए 24 घंटे की आपकी निगरानी है। ये जो जज्बा और ये आपका जुनून है वो पूरे देश को सुरक्षित रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सकल खबर। Thank you.